हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश यहाँ पर। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक रेडमी 7A का मदरबोर्ड है और ये ब्रेक है एक तरफ से और ये सेट कम्प्लीटली डेड है। कस्टमर का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको यहाँ पर बचाना है। तो यहाँ पर मैंने इसके EMMC और CPU को निकाल लिया है, बाकी का मैंने कोशिश किया था इसे रिपेयर करने की, इसमें PMI भी चेंज किया था, बट ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो हमने यहाँ पर इसकी EMMC और CPU को निकाल लिया है, प्लस यहाँ पर रिवॉल्व कर लिया है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो यहाँ पर सेम मदरबोर्ड मैंने किसी एक दूसरे कबाड़ी से ले लिया है और ये डेड था, इसे मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं इन CPU और EMMC को लगाऊंगा जो कि कस्टमर का डाटा निकल जाए। सबसे पहले इस फ़ोन को मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसमें लॉक लगा हुआ है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए सिर्फ इसकी EMMC और CPU चेंज करना है। और अगर कस्टमर के जो फ़ोन ब्रेक हुआ है मदरबोर्ड, उसमें लॉक लगा हुआ है, तो वो कस्टमर खोल लेगा, हम अनलॉक भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका डाटा बचाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी शील्ड को हम कट कर देते हैं कटर से, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस बताऊँगा कि EMMC और CPU को कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है दूसरे मदरबोर्ड में, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। वैसे प्रॉब्लम की बात करें तो ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, बस कस्टमर का उसका लॉक पता होना चाहिए अगर उसका डाटा आपको निकालना हो। तो यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड को यहाँ पर ले लिया है, ये वर्किंग मदरबोर्ड है, एक बिल्कुल वर्किंग मदरबोर्ड है। यहाँ पर मैंने शील्ड को उसी हिसाब से काटा है जितना ज़रूरत है, बाकी का यहाँ पर ये रिपेयर करना पड़ता है, इसका पड़ा था, इसकी PMI ख़राब थी। तो यहाँ पर PMI मैंने नकोड़ा मॉल से कुछ दिन पहले मंगाई थी, जिसकी मैंने टेस्टिंग वीडियो डाली थी, तो ये भी PMI IC है, वो टेस्टेड वर्किंग निकली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। आप चाहें तो मंगा सकते हैं नकोड़ा मॉल से भी। तो यहाँ पर मैं इसके CPU और EMMC को दोनों को निकाल देता हूँ। यहाँ पर कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड भी किया है मैंने। तो सबसे पहले इसकी PMI IC को कवर करेंगे, क्योंकि ये ग्लास IC है और इस पर ओवरहीटिंग होने के कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर चार्जिंग प्रॉब्लम करने लगे या फिर ग्राफिक्स चला जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा कभी भी अगर ग्लास IC नज़दीक है तो उसको कवर कर लिया करें, अगर किसी IC पर हीट मारना हो या फिर रिप्लेस करना हो या फिर पेस्टेड IC हो। तो इसे मैंने सिल्वर टेप से कवर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, उसके बाद इसकी CPU और EMMC को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालने का प्रोसेस सेम है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये पेस्टेड IC नहीं है, नॉन पेस्टेड IC है, तो आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं EMMC और CPU को अच्छी तरह से निकालूंगा, क्योंकि हमारी जो EMMC और CPU है वो फुल वर्किंग है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लॉक लगा हुआ है। तो इसे हम दूसरे फ़ोन में भी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो इसकी EMMC इरेज करके हम किसी दूसरे फ़ोन में डालेंगे, नहीं तो ये सैमसंग की EMMC है, कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाएगी, क्योंकि जो सैमसंग की EMMC होती है उसकी RPM भी क्लीन करके आप किसी भी मदरबोर्ड में कंफर्टेबल कर सकते हैं और उसे लगा सकते हैं और अच्छे से वर्क भी करती है। तो इसे हम सेफली तरीके से रख लेंगे। उसके बाद जो SK Hynix की दूसरे मदरबोर्ड में IC निकली है जिसमें कस्टमर का डाटा है, उसको यहाँ पर दोनों EMMC और CPU को लगाएंगे, ना कि यहाँ पर EMMC को। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा, जैसे कि जो कस्टमर का फ़ोन है वो उसकी EMMC CPU ठीक है, तो उसका फर्मवेयर रीड करके हम इस मदरबोर्ड में इसकी EMMC में डाल दें तो काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो फ्रेंड, आपको बता देता हूँ, ये इनकरप्टेड होने के कारण ये वर्क नहीं करता है। अनकरप्टेड में आप डाटा कॉपी करके आप डाल सकते हैं, वो वर्क करेगा, बट आप उसका फर्मवेयर डालते हैं रीड करके या फिर फुल डंप डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिकवरी में जाके वो रीसेट हो जाएगा, या फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा, वो सिक्योरिटी कोड आपको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर एक किस्म से यही बोल सकते हैं कि वो संभव नहीं है, आपको EMMC और CPU ही आपको चेंज करना होगा, उसके बाद ही ये फ़ोन पूरा ऑन होगा। और इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कभी कभार कस्टमर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा होता है और उसे निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है, और कस्टमर
कस्टमर मुंह मांगे दाम भी देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो ये तलक बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं नया फ़ोन ला के दे दूँगा, आप मेरा डाटा किसी भी तरीका से निकाल दें। तो इनकरप्टेड डाटा का निकालने का प्रोसेस बस यही है, और कोई तरीका आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने EMMC CPU को निकाल लिया है, उसके बाद इसे हम आयरन से पहले क्लीन करेंगे, फिर डिसोल्डर वायर से इसे क्लीन करेंगे, और मैं कौन कौन से टूल यूज कर रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा। वैसे ये नॉन पेस्टेड IC, इसमें ज़्यादा कोई टूल यूज नहीं करना पड़ता है, एक SMD और आयरन और डिसोल्डर वायर, बाकी का यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कुछ भी बड़ा मसला नहीं होता है, नॉर्मल सा काम है। हाँ, थोड़ा सा काम थोड़ा CPU रिवॉल्विंग करना हार्ड हो जाता है कुछ लोगों के लिए, तो वो पैसे तो मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों को भी परेशानी होती है CPU को कैसे रिवॉल्व करते हैं तो मैं फिर से एक वीडियो और बना दूंगा। वैसे मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखा है यूनिवर्सल स्टेंसिल से CPU को रिवॉल्व करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिसोल्डर वायर लेंगे और उससे यहाँ पर क्लीन करेंगे, और क्लीन करना ही सबसे बड़ा प्रोसेस होता है किसी भी IC को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर डिसोल्डर वायर से मैं क्लीन कर रहा हूँ, और जो मैं डिसोल्डर वायर यूज कर रहा हूँ वो AKT का यूज कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी वॉल्व भी नहीं निकलती है, और अच्छा खासा आपके पास आयरन होना चाहिए। वैसे तो मैं इस आयरन को सस्ता वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सनशाइन का आयरन था उसकी वेट ख़राब हो गई है और यहाँ पर लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रही है, तो जैसे ही मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाऊँगा तो उसमें मंगा लूँगा, या फिर मैं मार्केट जाऊँगा तो उस टाइम मंगा लूँगा। बाकी का भी काम चलाना पड़ रहा है, तो ये भी अच्छे से वर्क करता है, और जितने भी सस्ते वाले आयरन हैं उसकी जो बिट है वो अच्छी होनी चाहिए, आयरन बेशक सस्ता वाला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तक हम उसे यूज करते आए हैं। हो सकता है अभी ग्रामीण क्षेत्र से या फिर छोटी मार्केट से हैं तो उसी आयरन को आप यूज कर रहे होंगे, जो कि 50-100 रुपये या 150 रुपये का आयरन आता है। तो आपके पास कोई भी आयरन हो बट उसका जो बिट है वो अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसकी जो मदरबोर्ड की बॉल हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो। अगर मेल्ट ना होती हैं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो उसकी बॉल है वो निकल जाएंगी और आपका काम है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर आयरन है वो आपका अच्छी हीटिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे काम करें। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं CPU को क्लीन कर रहा हूँ, CPU की जो वॉल है उसे क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा EMMC और CPU है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये आता है कि IC हट जाती है या उधर उधर हो जाती है हीटिंग के टाइम एयर से, तो उसका रीज़न यही है कि जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरह से आप नहीं कर पाते, कोई ना कोई बॉल अप रह जाती है, ऊपर को रह जाती है, और CPU अच्छी तरह से या फिर कोई भी IC है वो ऊपर को उठी हुई रह जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, एक बार उंगली से भी फिरा के देख लेना है कि कोई वॉल ऊपर तो नहीं रहेगी, उसके बाद हल्का सा प्लग पेस्ट डालना है और उसको इतना डालना है कि सिर्फ महसूस हो कि मदरबोर्ड पर प्लग पेस्ट लग गया है, नहीं तो आपको क्या करना है, ईजिली सा मेथड है, उंगली से चारों तरफ कर देना है, और आपको ज़्यादा लग रहा है तो इधर उधर को हटा देना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा फ्लक्स पेस्ट नहीं डालना है, आपको थोड़ा सा ही डालना है, या फिर आपको बाद में डाल देना है, थोड़ा सा डालना पड़ेगा, कभी कभी छोटी IC होती है तो एयर से हट जाती है, बट सारे IC में हल्का सा फ्लक पेस्ट डालना होता है, उसके बाद में आप फ्लक पेस्ट डाल सकते हैं IC को मूव कराने के लिए। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में IC को हल्का सा लगाना होता है, उसके बाद आप फ्लक पेस्ट की मदद से, अगर आप काम थोड़ा नॉलेज कम है तो बाद में फ्लक पेस्ट डाल के मूव करा सकते हैं, नहीं तो आपको एक ही बार में मूव करा देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाया है, आप भी EMMC CPU को काम कर सकें, किसी का काम बना सकते हैं, किसी का डाटा बचा सकते हैं, या फिर कोई परेशान है उस बंदे का काम कर सकते हैं, तो अच्छी ही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब परिवार से होते हैं, वो जैसे तैसे फ़ोन ले लेते हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो दूसरा फ़ोन नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा काम करना पड़ता है, जो भी बड़े बड़े काम है कस्टमर भी रुपये नहीं दे पाता है कभी कभार, तो को करना पड़ जाता है। तो आप भी करें, ऐसा नहीं है कि उसे उदास करके भेजें, अगर आपको नॉलेज है हाँ उसे टाइम ले लें, अगर वो कस्टमर पैसे कम दे रहा है तो उसे बोल दें कि भाई यहाँ 2-4 दिन लग जाएगा, जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो फ्री टाइम में मैं कर दूँगा इस पर, और जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहा है कम दे रहा है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी का अगर आप IC सही तरह से
चेक करना चाहते हैं कि बैटरी ना बैठी है तो आप थोड़ा मूव करा सकते हैं या फिर हल्का ट्वीजर से देख लेना ऊपर रखकर कि आईसी लग चुकी है या नहीं लगी है। बाकी का आपको सीपीयू को सही पोजीशन में लगाना होता है। सीपीयू को लगाना थोड़ा हार्ड काम है उन लोगों के लिए जिन पर माइक्रोस्कोप नहीं है। वैसे तो माइक्रोस्कोप मेरे पास भी नहीं है, बट मेरी थोड़ा प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं इतना बड़ा काम नहीं समझता हूँ। इसे सही पोजीशन में लग जाना चाहिए। अगर आप सही पोजीशन में नहीं लगाते हैं तो इसकी जो बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं अदर आईसी के मुकाबले। तो जैसे जो इधर उधर को हो जाता है तो वो दूसरी बॉल से टच हो जाती है, फिर आप उसमें दोनों बॉल शॉर्ट हो जाती हैं और वो ऑन नहीं होता है। और यहाँ पर प्रोसेसर में सीपीयू में ज़्यादा बॉल होने के कारण बहुत सारे लोग उस सीपीयू को नहीं लगा पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप नीचे से क्लीन नहीं करते हैं या फिर आईसी को आप सही पोजीशन में नहीं लगा पाते हैं। आपको मूव बहुत ही कम कराना है सीपीयू को, तो आपको बहुत ही ना के समान ही मूव कराना है, नहीं तो आपको बाद में प्लग पीस डाल देना है, उसके बाद हल्का मूव कराना है, नहीं तो कराना ही नहीं है। बहुत सारे लोग नए यूजर हैं वो पिंस को शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पुराना सीपीयू और एमएमसी था, तो यहाँ पर हमने नया सीपीयू और एमएमसी को चेंज कर दिया है। बाकी का यहाँ पर हम जो सिल्वर टेप है उसे हटा देंगे क्योंकि हमने सेफ्टी के लिए इसे लगाया था। और यहाँ पर क्लीन भी कर लेंगे, और क्लीन उस टाइम करना है जब आपकी आईसी है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने सीपीयू और ईएमएमसी को एक बार में ही लगाया तो यहाँ पर हीटिंग तो होगा ही क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हीटिंग है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा क्लीनर डाल के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं अभी भी ये हीट है। तो इसे आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको टेस्टिंग के लिए बताया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मदरबोर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है और सारा प्लग पेस्ट है वो इधर उधर को हटा देना है। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हैंग ऑन लोगों या फिर माइक वर्क नहीं करना, स्पीकर वर्क नहीं करना, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब टेस्टिंग की बारी है, तो अब इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा फ़ोन है वो ऑन होगा या नहीं होगा। हमने सीपीयू और ईएमएमसी को यहाँ पर चेंज किया है, जो कि यहाँ पर चालू मदरबोर्ड की जो आईसी है वो साइड में रख दी है और ये डेड फ़ोन का ईएमएमसी सीपीयू है वो यहाँ पर इस मदरबोर्ड में डाला है। बाकी का बहुत सारे लोग ये ना सोचे कि मदरबोर्ड चेंज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा फर्जी वीडियो बनाना नहीं चाहता और ना ही यहाँ पर कोई मैं ऐसी वीडियो बनाता। तो यहाँ पर आप सेट को ऑन करके देख लेते हैं, हमने इसके क्रोम में मदरबोर्ड को लगा दिया है। तो यहाँ पर ऑन करके देखते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इसमें लॉक लगा हुआ होगा तो वो कस्टमर खोल लेगा क्योंकि उसको डाटा बचाना है, तो उसको लॉक तो उसका पता ही होगा, नहीं तो हम भी एक दो बार ट्राई करके देख लेंगे। बस हम इसके डाटा से या फिर इसके लॉक से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी का कस्टमर जाने। हमारा काम था सेट को ऑन करना और डाटा अपना खुद कस्टमर निकाल ही लेगा। तो हमारा ये फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद देखते हैं कि इसमें लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो और ये भी देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या आती है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और स्क्रीन पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। तो एक बार यहाँ पर हम लॉक डाल के देख लेते हैं खुलता है या नहीं खुलता है। तो यहाँ पर खुल चुका है एक ही बार में, लग गया तुक्का, बाकी का कस्टमर ही खोल लेता, हमारे लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करना था, यही काम करना था। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैंपियन यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।